हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। अभी सॉल्वेबल वाली जो सीरीज़ थी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी एक एग्जांपल है SN, हम पर अभी एक परमुटेशन वाला सिस्टम शुरू, मतलब जो पढ़ते थे उससे रिलेटेड है कुछ थ्योरम्स। अभी SN इज सॉल्वेबल फॉर n लेस देन एन इक्वल टू 4, मतलब n इक्वल्स टू 1, 2, 3 और 4, इनके लिए SN जो है ना हमेशा सॉल्वेबल होगा। ठीक है, आज की जो थ्योरम है वो SN इज़ नॉट सॉल्वेबल फॉर n ग्रेटर देन 4। ये जो थ्योरम कराऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम आती है, बहुत बार पूछी जाती है थ्योरम। तो सबसे पहले तो एग्जांपल देख लेते हैं। SN इज सॉल्वेबल फॉर n लेस देन इक्वल टू 4, खुद ट्राई करना सबसे पहले। नहीं मतलब नॉर्मली हिंट दे देती हूँ कैसे क्या करनी है। S1, S2, S3 और S4 अलग अलग सॉल्व करने हैं, कोई थ्योरम नहीं है, एग्जांपल है। तो चारों के चारों आपको दिखाने होंगे। S1 क्या है? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होगी इसमें, वो खुद सॉल्वेबल होगा, आइडेंटिटी सॉल्वेबल होगी ही होगी। S2 क्या है? उसमें दो एलिमेंट्स होंगे, एक i और एक 1, 2। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। 2 है, प्राइम है, प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है, साइक्लिक है तो एबिलियन है, एबिलियन है तो सॉल्वेबल है। ऐसे ही S3 में करना है, S3 में इसका एक सब ग्रुप ले लेना A3 और इसका है आइडेंटिटी। तो अगर A3 जो है वो S3 में नॉर्मल है, आइडेंटिटी जो है वो A3 में नॉर्मल है, इनका ऑर्डर निकालना S3 by A3, क्योंकि दो प्रॉपर्टीज़ जो होती थी ना, नॉर्मेलिटी और GI by GI, GI+1 by GI, वो नॉर्मल होगा, सॉरी एबिलियन होगा, वो वाला ऑर्डर S3 by A3 करोगे तो 2 आ गया, 2 है तो साइक्लिक, साइक्लिक है तो एबिलियन, एबिलियन है तो सॉल्वेबल। A3 by I करोगे तो 3 वही प्राइम है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप, साइक्लिक, साइक्लिक है तो एबिलियन, एबिलियन है तो सॉल्वेबल। ठीक है, इसी तरह अभी यहाँ S3 के लिए भी वही सॉल्वेबल हो गया, S4 के लिए भी ऐसे ही करना है। ठीक है, S4 इवन परमुटेशन, केलिन ग्रुप, आइडेंटिटी, वही करके दिखाना है। तो एग्जांपल था। अब ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नंबर ये जो 6 डली हुई है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। SN जो है वो सॉल्वेबल नहीं है फॉर n ग्रेटर देन 4। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक लेमा प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो लेमा ही करा देती हूँ, थ्योरम बीच में छोड़ के एक बार लेमा कराने जाऊँगी, तो इससे अच्छा पहले वो लेमा देख लो फिर वापस थ्योरम पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर ये थ्योरम आती है तो आपको ये लेमा प्रूव करना पड़ेगा, अगर कम मार्क्स में आती है बिल्कुल तो बस लेमा की स्टेटमेंट। लेमा क्या है? स्टेटमेंट है कि अगर SN कोई ग्रुप है, उसका सब ग्रुप है G, और G ऐसा सब ग्रुप है जिसमें सारे 3 साइकिल्स हैं SN के। SN वो परम्यूटेशन वाले ही हैं, जैसे 3 साइकिल्स क्या होंगे, A, B, C इस टाइप के, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 8, 9 इस तरह करके, तो 3 साइकिल्स है सारी जी में। ठीक है, तो एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, जी बाई एच जो एबिलियन, ये सारी चीज़ें हैं। तो लेमा कह रहा है कि एच में भी सारी SN की 3 साइकिल्स होंगी। ठीक है, SN जो है एक ग्रुप है, जी उसका सब ग्रुप है, एच इसका नॉर्मल सब ग्रुप है और जी बाई एच एबिलियन है। अगर ऐसा होने पे, अगर जी में 3 साइकिल्स सारी हैं SN की, तो एच में भी वो 3 साइकिल्स होंगी, ये प्रूव करनी है। ठीक है, अगर जी में है तो एच में भी होंगी, ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, प्रूफ के लिए चलते हैं। हमें क्या गिवन है? एच नॉर्मल है जी के, एक मैपिंग डिफाइन करो जी से जी बाई एच। तो मैपिंग किस तरह की होगी कि अगर तुम जी के एलिमेंट पे लगाओगे तो इधर जी बाई एच का एलिमेंट मिलेगा। अब जी क्या है? एक सब ग्रुप SN का है, इधर से हमने देखा था तो SN का सब ग्रुप था। SN क्या है? परम्यूटेशन टाइप के होंगे, तो इसमें लेने को एक्स भी ले सकते हैं, लेकिन हम BSc से पढ़ते आ रहे हैं कि परम्यूटेशन टाइप के अगर हों तो हम सिग्मा, साई, फाई इनसे रिप्रेजेंट करते थे हमेशा, सिग्मा, ईटा, फाई, साई। तो यहाँ हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर, तो फाई ऑफ सिग्मा अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एच सिग्मा। ठीक है, ये सिग्मा कहाँ से आ रहा है? जी से। कोशेंट ग्रुप में इसी टाइप के मेम्बर होंगे एच इंटू सम मेम्बर ऑफ जी। अब ये जो है वो किस तरह की है? कैनोनिकल होमोमोर्फिज्म है, और कैनोनिकल होमोमोर्फिज्म हमें पता है, अगर कैनोनिकल होमोमोर्फिज्म हमने मतलब डिफाइन ही इसी तरह की मैपिंग की है जो कैनोनिकल होमोमोर्फिज्म हो, हमें पता है कैनोनिकल होमोमोर्फिज्म मतलब कि वो ऑन टू भी होगा और कर्नल का फाई जो है वो एच के इक्वल होगा। ठीक है, कर्नल फाई इक्वल्स टू एच, इस तरह का ये हमें मिला हुआ है एक तरह से, या ये कह लो कि ये कैनोनिकल हमने ली ही ऐसी मैपिंग है जो कैनोनिकल होमोमोर्फिज्म है। तो देखो सिग्मा और ईटा जी के दो मेंबर लिए, अब मैपिंग लेते हैं हम फाई ऑफ सिग्मा इनवर्स ईटा इनवर्स सिग्मा ईटा, इस पे लगा के चलते हैं। तो फाई इन पे अलग अलग हो जाएगा, इन पे अलग अलग होगा
फिर इस पे फाई की डेफिनेशन लगा दो, फाई ऑफ सिग्मा इनवर्स। सिग्मा इनवर्स किस तरह का होगा? सिग्मा इनवर्स इंटू एच। सिग्मा फाई ऑफ ईटा इनवर्स क्या होगा? ईटा इनवर्स इंटू एच। फाई ऑफ सिग्मा क्या होगा? सिग्मा एच। फाई ऑफ ईटा क्या होगा? ईटा एच। अब हमें बताया कि जी बाई एच जो इक्वेशन में इधर दे रखा था कि वो क्या है? एबिलियन। एबिलियन है तो ये सारी टर्म्स आगे पीछे हो सकती है। हमने ईटा ईटा इनवर्स और सिग्मा सिग्मा इनवर्स वो एक साथ ले लिया है, ठीक है। इसको आप इस तरह लिखने की बजाय यहाँ ऐसे लिखो, सिग्मा की टर्म्स एक साथ लिख लो और ईटा की टर्म्स एक साथ लिख लो, ठीक है। एक मिनट, सिग्मा की टर्म्स एक साथ लिख ली और ईटा ईटा इनवर्स की टर्म्स एक साथ लिख ली, ठीक है। तो अगर आप देखोगे फाई ऑफ ये करोगे तो ये आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है? एक तरह से वन आ जाएगा, सिग्मा इनवर्स सिग्मा ईटा इनवर्स ईटा। तो यहाँ सिग्मा सिग्मा इनवर्स वन हो गया, ईटा ईटा इनवर्स ये भी वन हो गया, तो वन डॉट एच एच हो गया। और जी बाई एच की आइडेंटिटी हम देखें तो होगी क्या? वन डॉट एच एच ही होगी उसकी आइडेंटिटी। और अगर एच, हमें पता है एच क्या है? कर्नल ऑफ फाई। कर्नल ऑफ फाई हमें पता है कर्नल क्या होता है, मॉड्यूल थ्योरी की फर्स्ट में डेफिनेशन क्लियर कराई थी। अगर नहीं है तो मॉड्यूल थ्योरी प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं कि कर्नल क्या होता है। तो अगर ये एच है तो इसका मतलब ये कर्नल फाई में गया, कर्नल फाई में गया तो ये एच में गया। अब इससे हमने सिर्फ ये दिखाया है कि इस तरह की जो नोटेशंस है या इस तरह की जो फॉर्मेशन है वो सारी एच में होंगी, ठीक है। इसको स्टार मान के छोड़ दिया। अब ये खुद से लेट करना है कि हमें पता था जी में इधर था कि जी के अंदर सारी एसएन की थ्री साइकिल्स हैं, लेट कर लिया जो एक आई जे के, ठीक है, इस तरह की। तो दो हम लेके चलेंगे सिग्मा और ईटा इस तरह के, एन की एन ग्रेटर देन फोर है तो एटलीस्ट हमें एल और एम एक और दो और मिलेंगे। तो सिग्मा और ईटा ये आपको याद करके चलना है कि आई के एल लेट करना है और जे के एम लेट करना है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, आई जे के और एल और एम, ये सारे जो हैं वो एक तरह से एस एन के मेंबर्स हैं, ठीक है। वो एस एन के एक एक टर्म्स ले रखी है। तो अभी देखो सिग्मा इनवर्स ईटा इनवर्स और सिग्मा इंटू ईटा वो कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा इनवर्स, सिग्मा क्या लिया था? आई के एल इनवर्स, जे के एम इनवर्स, ये सिर्फ वैल्यू पुट कर रखी है। अब इनका इनवर्स निकालो। अभी मैं इनवर्स सिखाने जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, बीएससी में जो पढ़ते थे वही है कि अगर तीन टर्म्स का है तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इनवर्स करे थे, लास्ट की दो टर्म रिवर्स हो जाती थी। एल के पूरा प्रोसीजर होता था इनको इनवर्स निकालने का। जे के एम इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा? जे एम के आई के एल, और ये बस मल्टीप्लीकेशन है, जैसे आई से शुरू करते हैं, आई इसमें है नहीं, आई की के पे, के की जे पे, इसमें जे है नहीं तो आई की चली गई जे पे। अब जे की चेक करते हैं, जे की के पे, के से एल, इसमें L है नहीं, L से K, तो J से शुरू किया था कहाँ आ गया? K। फिर K की चेक करते हैं, K की M, इसमें M है नहीं, M से K, K से I, तो K से वापस आई, तो ब्रैकेट बंद। ऐसे L की चेक करेंगे तो L की इमेज L पे ही आएगी और M की इमेज M पे ही आएगी, अब मल्टीप्लीकेशन कह लो आप, ठीक है। तो I J K आ गया। अब इसको डबल स्टार कह दो। अब हमने ये क्या किया था कि ये जो सिग्मा इनवर्स ईटा इनवर्स सिग्मा और ईटा ये सारे किस में थे? एच में। और अभी हमने प्रूव कर दिया कि सिग्मा इनवर्स सिग्मा ईटा ये क्या आ गया? आई जे के। तो दोनों से क्या पता चल गया? इसमें जो एच में जो ये मेंबर एच में था और ये मेंबर किस टाइप का आ गया? आई जे के टाइप का आ गया। तो इसका मतलब एच में वो सारी की सारी थ्री साइकिल्स आ गई। यही हमें प्रूव करना था कि एच में सारी की सारी थ्री साइकिल्स होंगी। आई जे के हम कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर्स लेके चले थे तो एच में सारी की सारी थ्री साइकिल्स होंगी जी की। तो आई होप ये लेमा समझ आ गया होगा। और इस लेमा की हेल्प से ही आपको वो थ्योरम प्रूव करानी है मेरे को। तो थ्योरम क्या है? एस एन इज़ नॉट सॉल्वेबल फॉर एन ग्रेटर देन फोर। एन की वैल्यू अगर फोर या फोर से छोटी है तो एस एन जो है वो सॉल्वेबल होगा, लेकिन अगर एन से एन की वैल्यू जो है वो फोर से बड़ी है तो वो सॉल्वेबल नहीं होगा। इसका कम प्रूव करने का मेथड यही होगा कि हम सॉल्वेबल लेके चलेंगे और लास्ट में दिखा देंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी, ये सॉल्वेबल नहीं होगा, वो लेमा यूज़ करेंगे इसमें। अब देखो इसको सॉल्वेबल ये प्रूव करना है कि नॉट सॉल्वेबल होगा, उल्टा लेके चल लो। लेट कर लिया कि एस एन सॉल्वेबल है, सॉल्वेबल है तो सॉल्वेबल की डेफिनेशन कि एक सीरीज़ मिलेगी उसके सब ग्रुप्स की और ऐसे ही है नॉर्मैलिटी और एबिलियन वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब इसकी वजह से आई को एक बार ज़ीरो रख के चलो, तो जी वन इज़ नॉर्मल टू जी नॉट,
और जी नॉट बाई जी वन जो है वो क्या होगा, एबिलियन। अब सारी की सारी लेमा वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो एस एन की जगह एस एन ही है, जी की जगह जी है, यहाँ मतलब जी वन का काम करेगा। अभी क्या है, जी नॉट जो है वो जी वन जो है वो नॉर्मल है, जी नॉट के जी बाई जी एच जो है वो मतलब एच की जगह वो सारा का सारा काम कौन है, जी नॉट कर रहा है, सॉरी जी वन कर रहा है, तो वही सारी होगी। तो हम लेमा अप्लाई कर सकते हैं इस पर। अगर कम मार्क्स में आए तो एज ए स्टेटमेंट लिख देना, ज़्यादा मार्क्स में आए तो उस लेमा को प्रूव कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो है तो उस लेमा की हेल्प से हम वो कह सकते हैं कि जी वन जो है वहाँ, यहाँ उस लेमा में एच था यहाँ हर जगह, यहाँ जी वन है, तो जी वन में सारी थ्री साइकिल्स होंगी किसकी, जी नॉट की। और जी नॉट में क्या है, जी नॉट में किसकी होंगी, तो देयरफॉर एस एन की भी होंगी, क्योंकि जी नॉट है क्या, एस एन ही है, तो जी वन में सारी साइकिल्स, थ्री साइकिल्स कंटेन होंगी किसकी, जी नॉट की, या फिर हम कह सकते हैं एस एन की। अभी आगे चलते हैं हम, दोबारा अगर आई की वैल्यू वन रखेंगे तो जी टू इज़ नॉर्मल टू जी वन, जी वन बाई जी टू इज़ एबिलियन। तो हम लेमा से फिर ये कह सकते हैं जी टू जो, जी टू में क्या होंगी, जी वन की सारी थ्री साइकिल्स होंगी, और जी वन की होंगी तो जी वन एस एन में ही कंटेन्ड है तो एस एन की होंगी। इसी तरह प्रोसीजर करते जाओ, लास्ट में जी एन आ जाएगा। तो ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं जैसे जी वन कंटेन ऑल थ्री साइकिल्स, ऐसे ही लास्ट में आते आते जी एन कंटेन्स ऑल थ्री साइकिल्स ऑफ एस एन। लेकिन जी एन है क्या, क्या है जी एन, इधर से आइडेंटिटी है ना इधर से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी एन इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। लेकिन हम कह रहे हैं कि वो सारी इसमें सारी, यहाँ थ्री लिख लेना, थ्री साइकिल्स होंगी, और अभी कह रहे हैं जी एन आइडेंटिटी है, लेकिन आइडेंटिटी में तो थ्री साइकिल्स हो ही नहीं सकती, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गए करके चले थे, एस एन सॉल्वेबल है, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, एस एन इज नॉट सॉल्वेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है। इसके बाद एक सॉल्वेबल से रिलेटेड है ना, मैं मतलब आपको एक कॉरोलरी कराना चाहती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो कॉरोलरी आप ट्राई करो एज अ, मैं हिंट दूंगी आप लोगों को, या फिर कर लो, अगर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा फिर अगली बार कम्यूटेटर शुरू कर देंगे, कर ही लेते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी फाइनाइट पी ग्रुप है तो वो सॉल्वेबल होगा। जी कोई भी एक फाइनाइट पी ग्रुप लो, पी ग्रुप मतलब उसका ऑर्डर प्राइम की पावर होगा, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, ऑर्डर ऑफ जी जो है वो पी की पावर एन, लेट कर लिया। ये सारा का सारा इंडक्शन से प्रूव करेंगे हम लोग, ठीक है। एन की वैल्यू लेट स्मॉलेस्ट क्या है, वन, तो ऑर्डर पी की, एन की वैल्यू वन रखो तो ऑर्डर ऑफ जी क्या आ गया, पी। पी क्या है, प्राइम, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक, साइक्लिक है तो एबिलियन, एबिलियन है तो सॉल्वेबल, तो प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब एन इक्वल टू वन के लिए तो हो गया कि ये सॉल्वेबल है, हम लेट करके चलते हैं इंडक्शन में कि सारी एन से छोटी जितनी पावर्स हैं उन सब के लिए रिजल्ट जो है वो होल्ड करता है, या रिजल्ट ट्रू है, रिजल्ट ट्रू है मतलब ये सॉल्वेबल है। हम प्रूव करेंगे अब एन के लिए, वन के लिए हमने कर लिया, इससे छोटे के लिए हम लेट करके चलिए और उसके लिए हम प्रूव कर देंगे, ऐसे ही करते थे। तो जी के लिए दो ऑप्शन है, या तो वो एबिलियन हो या नॉन एबिलियन। एबिलियन है तो वो डायरेक्टली सॉल्वेबल हो जाएगा, तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है, थ्योरम प्रूव हो गई, यही करनी थी। लेकिन अगर वो नॉन एबिलियन है तो कैसे होगा, नॉन एबिलियन के लिए हम प्रूव कराएंगे, ठीक है। नॉन एबिलियन के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी आपको जेड जी की, तो जेड जी जो है वो जी के इक्वल नहीं होगा, हमें पता है, ठीक है। तो जेड जी क्या, सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर ऑफ ग्रुप, ग्रुप में तो पक्का कंटेन होगा, तो जेड जी जो है वो क्या हो गया यहाँ से, सॉरी उसमें तो कंटेन होगा, तो ये है एक सब ग्रुप भी हो गया जी, तो क्लास इक्वेशन से भी हम ये कह सकते हैं, या फिर ये कह मतलब जेड जी जो है वो एक इसका जी का सब ग्रुप हो गया, यहाँ से पता चल रहा है सेंटर ऑफ ग्रुप हमेशा ही जी का सॉल्व और इक्वल नहीं है जेड जी और जी। लैग्रांज थ्योरम क्या कहती है कि इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जेड जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, और ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी की पावर एन, तो इसका मतलब जेड जी भी कुछ ना कुछ प्राइम की पावर होगी, लेट कर लिया वो पी की पावर एस है, तो ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या आ गया, पी की पावर एन माइनस एस, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ जेड जी वन से तो बड़ा होगा ऑर्डर पक्का, लेकिन पी की पावर एन से छोटा होगा, ठीक है। लैग्रांज थ्योरम की हेल्प से प्रूव कर रहे हैं हम ये सारा का सारा कि ये इससे तो छोटा ही होगा। अब हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ जेड जी बड़ा है, अब ये क्या आ गया, पी ऑर्डर ऑफ जेड जी पी की पावर एन माइनस एस आया था, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ जेड जी ऐसे करके लैग्रांज थ्योरम यूज़ करके, लेकिन ये पी की पावर एन से छोटा है, और हम लेट करके आए कि एन से जितनी भी छोटी पावर्स है ना उनके लिए ग्रुप सॉल्वेबल है, तो इसका मतलब ये पूरा ग्रुप सॉल्वेबल हो गया, इसका ऑर्डर जो है वो पी की पावर एन से छोटा आ गया, और लेट करके आए थे एन से छोटे वाले जिसकी भी पावर्स है वो सारा का सारा क्या है, सॉल्वेबल।
तो ये सॉल्वेबल आ गया। अब जेड जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप तो एबिलियन होता है, एबिलियन ग्रुप सॉल्वेबल होगा, तो जेड जी जो जेड जी बाय जेड जी जो है वो सॉल्वेबल है, जेड जी खुद सॉल्वेबल है। तो इसका मतलब हम ये प्रूव करके आए हैं कि अगर पहले भी किया हुआ है कि अगर कोई कोशेंट ग्रुप सॉल्वेबल है और उसका सब ग्रुप भी सॉल्वेबल है तो वो ग्रुप भी सॉल्वेबल होता है। अगर भूल गए तो ऐसे करते थे ना एम बाई एन करके, कि अगर ये सॉल्वेबल है और ये भी सॉल्वेबल है तो पक्का एन भी सॉल्वेबल होगा। तो इस हिसाब से जी भी सॉल्वेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कम्यूटेटर टॉपिक शुरू कर लेते हैं या फिर सीलोज थ्योरम करेंगे। आप एडवाइस दीजिए कि कौन सा करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपको जो समझ नहीं आ रहा है, जो आप चाहते हैं कि मैं आपको क्लियर कराऊँ ये टॉपिक्स, तो आप मुझे बताइए। और इंस्टाग्राम पे जो जो मैसेजेज आए हैं मैं वो वीडियोज़ जल्दी बनाऊँगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि मैं वो नहीं बना रही हूँ, अभी थोड़ा गैप हो गया था, ट्राई कर रही हूँ कि कंटिन्यू कर पाऊँ। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।